खबर आप। दिल्ली के आनंद विहार स्थित बालाजी रामलीला कमेटी ने लंका दहन के रूप में पाकिस्तान की लंका बनाकर आतंकवाद का दहन किया। पीओके को भी दर्शाया गया भारत का अभिन्न अंग है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में चल रही पूर्वी दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनता को जागरूक करने के लिए लीला के माध्यम से अलग अलग संदेश दे रही है। जहां लीला के मंच पर पहली बार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की विशाल तस्वीर लगाकर सब लोगों को प्रति श्रुद्ध दिखाया गया, वहीं लंका दहन के मौके पर लंका को पाकिस्तान का रूप देकर आतंकवाद का दहन किया गया। बालाजी रामलीला के अध्यक्ष भगवान रस्तोगी ने कहा, लंका में अब रावण नहीं, वहां शांति हो चुकी है, लेकिन आतंकवाद का रावण पाकिस्तान में मौजूद है जिसका दहन जरूरी है। कश्मीर हमारा है और पीओके के बाद अब जल्द से जल्द वापस मिलेगा, कश्मीर पूर्ण रूप से अब हमारा होगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वही लंका है जिसका दहन किया गया। जी हां, पाकिस्तान के रंग और रूप से तैयार करी गई ये सोने की लंका नहीं, ये पाकिस्तान की लंका है जिसको कि आज रामलीला कमेटी के द्वारा दहन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरे कलर से इसको पूरी तरीके से बनाया गया था। और सोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए विजिट करें www.rsonynews.com। सोनी न्यूज के लिए दिल्ली से आप देख रहे हैं आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। लंका में रावण है नहीं, राक्षस भी नहीं है, वहाँ सामान्य जनजीवन हो गया है, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, वहाँ पर आतंकियों के अड्डे हैं जो भारत में और देश में अशांति फैला रहे हैं। हमने अपनी लीला के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आप आतंकियों से बाज आ जाओ, आतंक खत्म कर दो, शांतिपूर्ण जिंदगी जियो, और जो आज़ाद कश्मीर आपने अपने कब्जे में लिया हुआ है वो कश्मीर भारत के अंदर विलय कर दो। ये लीला से हमने संदेश दिया है, क्योंकि अब जितने भी आतंकी हैं, जितने भी आतंकी ठिकाने हैं वो पाकिस्तान में हैं। कलयुग की लंका पाकिस्तान के रूप में बदल गई है, और ये हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके यह संदेश दिया है कि अब आतंकियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब देश का, भारत का हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। वहीं एक साथ में पीओके भी था जहां पर हमारे भारत के ध्वज लहरा रहा था, वो क्या संदेश था? वो ये संदेश है, क्योंकि उसको हमने जब कश्मीर अलग हुआ तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस कानून को तोड़ा और उन्होंने नारा दिया कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बनकर वो खूबसूरत कश्मीर का हिस्सा बने और भारत का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा स्थान वो पीओके ना बनकर एक आज हिंदुस्तान का अंग अभिन्न अंग पूरा कश्मीर, अखंड कश्मीर, जहां भारत का झंडा नरेंद्र मोदी ने रामलीला के माध्यम से लगा दिया है। अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब पीओके हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में विलय ना हो जाए।